माफिया मुख्तार अंसारी के इलाज के दौरान मौत, तबीयत खराब होने पर जेल से लाया गया था मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात मौत हो गई। जेल की बैरक में मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात जेल में ही दिल का दौरा पड़ा था और उसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मुख्तार को सीसीयू में भर्ती करना पड़ा। मुख्तार के इलाज में 9 डॉक्टरों की टीम लगाई गई थी, हालांकि मुख्तार की जान नहीं बच सकी। इससे पहले मंगलवार को उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने कब्ज की समस्या बताई थी और इलाज के दौरान उनकी कारागार भेज दिया गया था। मुख्तार और के स्वास्थ्य को लेकर परीक्षण किया गया, जिसमें सब सामान्य मिला। 60 वर्ष के हो चुके मुख्तार ने सुनवाई के दौरान अदालत में आरोप लगाया था कि जेल में उनकी हत्या हो सकती है और उन्हें जहर दिया जा रहा है, और वो धीमा जहर की बात कह रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। मामले में MPMLA कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर व मऊ में अन्य संवेदनशील जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस लाइन में भारी संख्या में फोर्स निकाली जा रही है।